कंगना रनौत बनाम बीएमसी की सुनवाई आज हाई कोर्ट में होने वाली थी जो टल चुकी है, अब इस मामले में सुनवाई कल होगी। जी हाँ, पूरा मामला तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार हम जरूर आपको बताना चाहेंगे। दरअसल कोर्ट के आदेश से पहले ही कंगना के ऑफिस को बीएमसी ने तोड़ दिया। कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी ने बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर दी। कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी की कार्रवाई पर 22 सितंबर को हुई सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ का आदेश देने वाली बीएमसी अधिकारी और शिवसेना नेता संजय राउत को इस केस में बतौर पार्टी शामिल होने का आदेश दिया। कंगना रनौत ने इस केस में अपनी याचिका में संजय राउत और बीएमसी वार्ड ऑफिसर को प्रतिवादी बनाने की मांग की। कंगना ने अपनी याचिका में संशोधन करके बीएमसी से 200 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। ये है पूरा मामला। आपको बताएं कि कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई तरह के खुलासे करने लगी, जिसकी वजह से शिवसेना पार्टी के नेता संजय राउत रोजाना ही उन्हें लेकर कुछ ना कुछ कह रहे थे। अब कंगना रनौत ने मुंबई को पोक से तुलना कर दी। पोक से तुलना करने पर संजय राउत ने कहा कि मुंबई आने की जरूरत नहीं है। कंगना रनौत ने इसे धमकी के तौर पर लिया और कहा, मैं तो आ रही हूं, जो करना है करके दिखाओ। कंगना के आने के पहले ही उनके दफ्तर मणिकर्णिका को बीएमसी ने तोड़कर तहस नहस कर दिया। और सारी दुनिया जानती है कि बीएमसी शिवसेना के ही अंदर आती है, शिवसेना के ही अंतर्गत आती है। ऐसे में ये मामला अब 2 करोड़ रुपए के मुआवजे तक जा पहुंचा है, जिस पर सुनवाई आज होनी थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर सुनवाई यानी कंगना रनौत बनाम बीएमसी बनाम शिवसेना बनाम महाराष्ट्र सरकार की जो सुनवाई है वो हाईकोर्ट अब कल देगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बने रहें हमारे साथ।